एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और केरल में सीपीआईएम सरकार के पत्रकारों को डराने धमकाने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर चिंता जताई है। गिल्ड ने अपने बयान में दावा करते हुए कहा है कि स्मृति ईरानी ने 9 जून को अपने लोकसभा क्षेत्र अमेठी के दौरे के दौरान एक पत्रकार को धमकाया था। इसके साथ ही उस पत्रकार के अखबार मालिक को फोन करके शिकायत करने की धमकी भी दी थी। वहीं दूसरी घटना की बात करें तो वो केरल की है, जहां एक सीनियर महिला पत्रकार के खिलाफ स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दायर की गई एक शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में महिला पत्रकार को आरोपी की तरह पेश किया गया है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया सीपीआईएम के स्टूडेंट विंग है। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के बयानों में कहा गया है कि ये गहरी चिंता का विषय है कि केवल राजनीतिक नेताओं पर रिपोर्टिंग करने भर से आप पर एफआईआर हो सकती है और पुलिस आपको पूछताछ के लिए बुला सकती है। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने अपने बयान में लिखा है, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों से कामकाजी पत्रकार और मीडिया घरानों को परेशान न करने और डराने से रोकने के अपने बार बार के अनुरोधों को रेखांकित करता है। रिपोर्टर सवाल पूछने के लिए ग्राउंड पर है और राजनीतिक नेताओं और राज्य कानून परिवर्तन एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की धमकी लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके खिलाफ मीडिया हाउस का मौलिक कर्तव्य है कि वे अपने साथ काम करने वाले पत्रकारों, रिपोर्टरों और स्ट्रिंगरों की समान रूप से रक्षा करें और उन्हें किसी भी प्रकार की राजनीतिक धमकियों के आगे नहीं झुकना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।